हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड ट्रैवल्स। फ्रेंड्स, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और आज है चतुर्दशी। कार्तिक के महीने का जो लास्ट 5 डेज है वो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक उड़ीसा में पंच का मनाया जाता है। उसी टाइम तुलसी का पूजा होता है और चतुर्दशी के दिन में जितने लोग उपवास करते हैं वो लोग सब आंवला पेड़ को पूजा करते हैं। तो हमारा गांव में भी ये पूजा चल रहा था। अभी जहां पर हूं ये हमारा गांव का शिव मंदिर है। भगवान शिव यहां सपरेश्वर बाबा के नाम में पूजा पाते हैं। मंदिर एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर है, बहुत सुंदर जगह है। और यहां नीचे से मंदिर तक पहुंचने के लिए 120 सीढ़ी बना हुआ है। कार्तिक चतुर्दशी के अवसर पर हमारा वहाँ प्रहरी होगा। प्रहरी क्या है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो प्रहरी में भगवान कृष्ण और राम का नाम का जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र यहाँ से मतलब सपनेश्वर बाबा के मंदिर से बोलते हुए मंडप तक जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी अंदर में बाबा सपनेश्वर का पूजा चल रहा है। कुछ टाइम के बाद यहाँ से निकलेंगे। औरत लोग हुलहुली दे रहे हैं, लड़का लोग हरिबोल बोलते हैं। ये उड़ीसा और बंगाल में बहुत फेमस है। कोई भी अगर शुभ कार्य हो रहा है तो उसी टाइम या कोई पूजा पाठ हो रहा है तब लेडीज लोग हुलहुली देते हैं, लड़का लोग हरिबोल कहते हैं। पंडित जी अभी मंत्र गाना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद जो गायक है कीर्तन पार्टी का वो अभी गाएंगे। उसके बाद बाजा और कांसे से बना हुआ एक गिनी है उसको बजाते हुए और सब लोग भगवान का नाम जपते हुए जहाँ प्रहरी होगा उसी मंडप तरफ बढ़ेंगे। देखो हम लोग अभी मंदिर से निकल रहे हैं। मंदिर के पास एक 100 एकड़ का तालाब है, बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। मैं टाइम को मतलब अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाया। यही वो मंडप है जहाँ प्रहरी होगा, भगवान कृष्ण का पूजा होगा और चारों तरफ से जो कीर्तन का पार्टी कीर्तन पार्टी वाले वो लोग घूम घूम के गाना गाएंगे और भगवान का नाम जपते हुए बाजा बजा के नाचेंगे। बहुत भीड़ होता है और ये वेस्टर्न उड़ीसा और भी फेमस है। देखो जो लोग भगवान पूरे अभी मंदिर से भगवान का नाम जपते हुए मंडप तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम का नाम नाम संकीर्तन है, मतलब भगवान का नाम को लेके भजन कीर्तन करना है। वेस्टर्न उड़ीसा में इसको प्रहरी बोलते हैं। ये 8 प्रहरी होता है, 16 प्रहरी होता है, 24 प्रहरी, 56 प्रहरी होता है। प्रहरी का जो उड़िया लिटरली मीनिंग है वह प्रहर,
प्रहर से ही प्रहरी हुआ है। एक प्रहर को 3 घंटा, जैसे कोई अगर अष्ट प्रहरी कर रहा है तो 8 × 8 = 24। सपोज आज 9 बजे से भगवान का नाम जपना शुरू किए हैं तो कल सुबह 9 बजे तक तो कार्यक्रम चलेगा। उसी तरफ 16 प्रहरी और अष्ट प्रहरी भी चलता है 2 दिन 3 दिन तक। एक कीर्तन पार्टी को 1 प्रहर मिलता है तो 1 प्रहर में 3 घंटा तक उनको भगवान का नाम जपते हुए गाना गा के बजा बजा के नाचते हुए अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। सारे प्रहर खत्म होने तक कोई भी पार्टी बीच में भगवान का नाम जपना बंद नहीं करेगा। अगर कोई गलती से उसका बंद हो जाता है तो उसको गोबर पानी छिड़ते हैं और सब लोग कोशिश करते हैं कि भगवान का नाम जब टाइम से शुरू है जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक उसको जपते रहते हैं। अभी पंडित जी जो महामंत्र लेके आए थे उन लोगों को स्वागत कर रहे हैं मंडप में। उसके बाद सब मंडप में एंट्री करेंगे। और 7 बार घूमने के बाद जो थाली में जो महामंत्र लिखा हुआ है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का जो लिखा हुआ है उसको मंडप में रख पूजा करेंगे। फिर कीर्तन शुरू हो जाएगा। अभी तो वो लोग बजा बजा के कर रहे हैं, उसके बाद जो असली कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे एक तो लेडीज कीर्तन पार्टी का मैं वीडियो शूट किया हूँ, बहुत मज़ा आएगा। Oh,
क्या लगी?